ओ लुटावन भाई, लुटावन, ओ लुटावन भाई, क्या हो, क्या करो, बड़ा गड़बड़ भाव हो, यहाँ आओ, यहाँ आओ। का भैया चैतराम जो रहा कह रहा हमसे बाजे रहे, अब का बताई तुझसे हम, का तो मुंह पाथा वाला की ना पकड़ के मना कहीं तरह से पकड़ लेगी और पकड़ के गिरा कर दे ठाक ठाक दे ठाक ठाक ऊपर उनका कुल ढसा उतार देवे रहना। अरे ये सब मामला हम जाना जाना, हमका सब पता है। जहन के तू हमरे वहाँ दुकान से आधा किलो निरमा उठा रहा हो, एक पैकेट ब्रेड उठा रहा हो, आहो हम यहाँ कह रही था भाई रहा कि चैतराम के पूत झिनकर चैतराम से कहें कि तुम का पैसा दे दिए, कुछ गाँव में आवार है बिका है तो कुछ बिकाया वाला तो कहें कि हमारे लिए पैसा नहीं है। तो भाई हो लड़का हो तो हार पैसा कहूँ भाई बेटी डाक के मांगे जाई, हाँ लड़का हुआ अगर दस पाँच रुपया मांगे तो काहे नहीं दी, तो का काम की कि तुहरे पहुँचे के 10-20 मिनट पहले वो आधा किलो निरमा ये पैकेट ब्रेड उठाए के ये मंगाए रही कि भैया कल आई दी हो तो ये पैसा दी जो वो पैसा धैल इनका सामान वाला दे दी। का कहा था हम सब बताए कहें कि जिनकन से मंगा लिए ना और पता क्यों कि उनके चैतराम पैसा पाएं कि नहीं पाएं, तो हम ऐसे चैतराम की दुकान टहरते खेते लौटे ना तो टहरते ऐसे चले गए। अच्छा तो चैतराम हमारे मुँह से निकला चैतराम से कि वो चैतराम भाई अरे आधा किलो निर्मा माल की हमारे मंगाई ना हो एक पैकेट ब्रेड तोरे झिनकन पूत दे आए रहा पैसा पायो, तो वो कहें कि अरे वो कहें अरे हम तो जानते हैं कि वो भोकाली भाई उठाए नहीं गया है। अच्छा और हम उनके द्वारे गए खूब उल्टा सीधा बोलन और उसके बाद कहना लाल भाई गए कहन और हम तो पंचायत में टूर में रहन मतलब पछतात रहे वह रहे न सब लेकिन पछतात रहे बतिया से कि हम गए ना भोपाली भाई का आसस कहन हम कहा बहुत गड़बड़ की हो बहुत गलत की हो। दादा ने दादा इतना बड़ा खेल होएगा ये खेल के बाप पूत मिलके ओकर बाद हमरे द्वारे चल के गए चैतराम हमसे कहन की तू हमार उठा लावे सामान। चैतराम के पूत के देखो कि यहाँ पैसा नहीं के जो तो उनका दिन नहीं हुआ पैसा से जो गाँव बिकाया बार तो का की पूत के पैसा मांगे पैसा नहीं दिया वह अपन उठाए सामान बेच लिया है तो गाँव के पटीदारन का लगे है कि तू हमारा सामान उठा लेगी कहा वो गलत किन गलत नहीं कहा तो तू आवत है कहूँ बोलता है बुलाए रहे हो कहा भाई देखो इनका मुंह देख लो ताई आओ यहाँ आओ तू यहाँ आओ पोकारे भाई तोरे घर जाना तो को बहुत हेरे को पता चला कि तू लुटावन भाई के आया बस बैठे ठाड़ हो जाओ बहुत नजदीक हमरे आवे कोशिश करियो मारे एक घूसा भारा जी हो तू ऐठे कि तो दूरी ठार रहे हो दादा ना दादा तू हो तोरा पूत हाँ जिनकन दो जने मिलकर आपस में खेल के हो देखे वहाँ लेके हमारे द्वारे पहुँचे हो हमका चोरी लगाओ तू हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहुत बड़ी गलती हो गई भाई हमारे लड़का छिड़कर हमारे नाते गलती है तू भाई पटीदार हमारे नाते गलत आई हो और भोकाले भाई तू का यही मुझसे हम उल्टा सीधा कहा है यही मुझसे बिना सोचे समझे तू कहीं कहा चाहिए तो पूरे गाँव तू प्रचार किया हुआ है कि भौकाले हमारी उठा लाए और टाउन कहीं का चाहिए सब मेयर हम हूं इनका कहा है कि तू बहुत गलत की हो है कि मैं तू का ना करे चाहिए हम बहुत पछताए थे टाउन भैया बहुत पछताए थे एक जान गिराज काट दे वाला काम किया हुआ है लेकिन अभी नहीं काड़ब तू का समय आई तब तू का काड़ब और यह मेयर काड़ब है तू का कोई बचावे ना आई वह कड़ाव करब तो हार मुँह पाट डालब हम मारे थे गलती भाई को हम नहीं मानी थे हम तो बनते हैं कि अपने गलती में दो दिन से दादा तू हमारे नींद हराम कह दियो हाँ नींद हराम कह दियो तू राय दियो हमने बोलो अब क्या कह रही उठाओ भाई वैसा ऐसे हमारे रिस लाग रही हमका लाग के बड़का भाई तू उठा रहा हो ये लिए हम तेरे घर गए तेरे द्वार ठहर होकर तुझसे हम उल्टा सीधा बोले हम अपने गलती के माफी मांगे थे लड़का पर कसनी नहीं करते ठीक है पहले आपस में बाप पूत समझ लेते हो वगैरह बाद में जो तू का करे रहा तो हम करते हो तो बाप पूत आपस में समझे नहीं जुहाई क्यों इनके ऊपर जाए भाई जैसे आओ ना भैया भोकाली भैया कह दो ऋषि आना तू हमसे
हमका माफ कर दियो। राय दे तू माफी ना मांगो। अरे डॉन भाई ऐसे कह दो कि हमका माफ कर दे। तू हमका माफ कर दो पर का भाई आई तोरे गोलक गिर जाए। ना 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 तू हमरे गोलक ना गिरा। माफी ना मांगो। हां माफी हमने ना मांगो। जा तू गोलक गिरो अपने पूत के ना तू का उछन के दिया। माफ कर दियो हटाओ तू बड़ा चढ़ा हो। हां तू से 4-6 साल के छोटे है ये। माफ कर दियो हरीश तो तोरे लायक है समझित है। रिसिया बहुत हो लेकिन वैसा ही था जोड़ के माफी मांगा था। तो माफ करो बात का हिटन खत्म करो। हम कहते रिसिया नहीं है ना माफ कर दिया। ए बेन ना यहां ए मैं हम मनवे ना कर पाए। मनवे ना कर पाए तू हमका माफ करो। अरे दादा कौन मेर के कहीं देखा था और टाइम कर बाजे आए रसरी लगाए लटक जाए तब मन को की माफ कही नहीं। ए भाई ये रिसिया नाम से अब कौन मैं कहीं कहता है कि ठीक है भाई माफ कह दिया तू का। हां मन में ना कर पाए तू अबे रिसिया नाम कुछ कह के तू कहा कुछ कहा है। हां तोहिन जोन मन में आवा है तोर हमका बक्यो है। हम तो का कुछ कहबो तो रह गया चाहते तो उठाए छोटा तू का वही थारे पर। हां मार छोटा तू का पवड़ा दे लेकिन ये काम नहीं किया बर्दाश्त किया। हम समझे ये समझता है दूसरा चीज तू न समझ रहे हो और यहू शायद तू होश बनाई हो तो तुझसे कहा बात पाई। माफ करो भाई न तेरे गोड़े फाट कर और गोर तो हाथ तत्ता न छोड़ा करता तू हमका माफ न कर दो। गलती भाई हमसे गलती भाई हमका माफ कर दो। अरे वाह रे चैतराम होश में आई रहा था ना तू होश में हो नहीं। अब नहीं नहीं कहा तुम्हें और कौन मेरे का है। हाँ मुड़े बेला खड़ा हो जाए गोड़ ऊपर गए मुंह नीचे तो मनवाओ जगह के मुंह देखो इन्हें सियान लगा था ना लगा। ओ ओ लुटावन काय के मारे खावा चाहता हो कह दिया तू का माफ कह दिया कौन मैं कह दिया। देखो रिसियान हो तू यार तेरा मुझसे लगा था कि तू रिसियान बहुत रिसियान हो। रिसियान ना है ना हो। हाँ तू तो खपड़ी चाट ली हो। क्या मैं नहीं ठीक से कहा कि तू का माफ कह देना ठीक से बोलो यहाँ से बोलो यहाँ से। ओ ओ अरे दादा दादा तो परेशान करता हो तो कहा तुम्हें कि माफ कह दिया तू का कौन तू का लाठी लिए कह दिया। हमका ना विश्वास है कि तू हमका माफ कह दियो। देखो का सटका है न भगी हो तू इनका तू हटाओ अपने द्वारे से हो कह दो जान। हे जयतराम सुनो हमारे पास सुनो माफ कह दिए नहीं बड़ा चढ़ा है काहे जी का बाजी है। ठीक से माफ करो ठीक से बोलो तेरे हंस के कहो कि माफ कह दिया। माफ कह दिया दादा तू का माफ कह दिया माफ कह दिया तू हटाओ रास्ता छोड़ो अब जाए दी। नहीं भाई तू हमका हमका रिश्तेदार लागो तो तू अभी भी रिश्तेदार लागो तो। अरे भाई समझा रही का। हे जयतराम ए सुनो इनके द्वारे जाओ माफी मांगो चलो खस गाओ जाओ भैया साहब। ये बात तो ठीक है और कौन भैया ये बात ठीक है हो तो हम इनके द्वारे जाओ माफी मांगो। अरे माफ कर दिए हो और कौन मैं माफ करी कौन मैं माफ किन जाता बताओ मुझे तो माफ किन जाता है। चलो आओ हो चले थे आओ चले थे द्वारे तो है चलो कोई माफ करो आओ 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 बैठे रहना।